हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों से कुछ हेल्प चाहते हैं, और हेल्प इस तरह से चाहते हैं क्योंकि अभी तक हमने टोटल 11 व्लॉग्स करे हैं और हमारे सामने कुछ चैलेंजेस थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि हमने अपने एंड पे उसको हैंडल करा है। सो आज मैं आप लोगों से ये हेल्प चाहता हूँ कि आप लोग हमें सजेस्ट करें कि अभी तक जितने भी हमारे व्लॉग्स बने हैं उसमें क्या क्या मिस्टेक्स थी या कोई ऐसी चेंजेस थे या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आप लोगों ने नोटिस करे हैं। सो वो चीज़ें आप हमें शेयर करें ताकि हमारे जो व्लॉग्स हैं वो सभी व्यूअर्स को पसंद आए। सो जो भी चेंजेस हैं यदि आप लोग चाहते हैं कि हम लोग करें आपके लिए, सो वो चीज़ें आप लोग हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो, वो चीज़ आप कमेंट पर मैंशन कर सकते हो ताकि उन चीज़ों पर हम लोग वर्कआउट कर सकें और आप लोगों के लिए एक अच्छा रिज़ल्ट जो है या एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो हम लोग आप लोगों के सामने रख सके। फर्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करूं, जैसे कि नॉर्मली होता है कि जब कोई भी ब्लॉगर हो फर्स्ट टाइम कैमरे को फेस करता है सो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है हमें अपने अंदर से कि पता नहीं किस तरह से हमने उसको एक्ट करना है या किस तरह से रिएक्शंस देने हैं या किस तरह से परफॉर्म करना है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं। सो हर एक फर्स्ट ब्लॉगर जो रहता है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहती है। सेम चीज़ हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रही है क्योंकि हम लोग भी सोचते हैं कि अपने व्यूअर्स को हम क्या चीज़ दिखाएं, क्या चीज़ ना दिखाएं। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे फैमिली के सामने आई है। सेकंड प्रॉब्लम की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, सो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई है कि जैसे कि हम बाहर जाते हैं सो उस समय यदि हम रिकॉर्डिंग करते हैं सो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है, चाहे वो शॉप ओनर हो या कोई भी व्यक्ति हो जो भी हमारे फ्रेम के अंदर आ रहा है, कि उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और सामने वाले को वो चीज़ पसंद ना आए तो हो सकता है कि वो हमारे ऊपर गुस्सा करे या कोई भी ऐसा रिएक्शन दे जिसके कारण हमारे लिए भी दिक्कत हो। थर्ड चीज़ की अगर हम बात करें कि यदि हम किसी से कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं और वो चीज़ अगर हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करें, या अभी तक जो हमने रिकॉर्ड करा है सो उसमें ऐसा ना हो कि सामने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो। सो इन चीज़ों का भी ध्यान देना होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर यदि मैं बात करूं कि जो हमने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है सो उसमें कई सारे जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है क्योंकि उन लोगों को देख देख करके हमने कई सारी चीज़ें सीखी हैं या ये चीज़ें भी देखी हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें हमने पोस्ट करनी है, क्या चीज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करनी है। सो कई सारी चीज़ें हमने उन लोगों से भी सीखी है। अगर मैं पर्टिकुलर अगर किसी का नाम लूँ तो सबसे पहले जो मैं देख रहा था मनोज दही हैं झारखंड से, सो उनके व्लॉग्स में देखता था, उनसे मेरे को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। उसके बाद कानपुर वाला विक्रांत, उनके व्लॉग्स में देखता हूँ, उनसे भी मेरे को कई सारी हेल्प मिली। और फाइनली जो अभी लास्ट व्लॉग्स हम लोग देखने लगे हैं सौरभ जोशी एंड फैमिली के जो व्लॉग्स हैं उनके व्लॉग्स मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आए और उससे हमने बहुत कुछ सीखा। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं बात करूँ सो जब हम लोग लंच के लिए बैठते हैं या डिनर के लिए बैठते हैं सो पहले जो मैं फ्रेम में कैप्चर करने की कोशिश करता था कि इवन जो हमारी प्लेट्स लगी हुई है कि प्लेट में राइस एक कोने में होना चाहिए, चपाती है वो होनी चाहिए, बोल्स में दाल होनी चाहिए या सब्जी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं अपने मेंटलिटी लेकर चल रहा था कि एक अच्छा जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो एक अच्छा व्यू है वो अपना फ्रेम में आना चाहिए। लेकिन जब मैं सौरभ जोशी के व्लॉग्स देखने लगा सो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है क्योंकि एकदम जो नॉर्मल जो हमारा डेली रूटीन रहता है वो चीज़ वो शेयर करते हैं। अगर बात करें हम उनकी व्यूज़ के सो इवन आज के व्लॉग की भी अगर मैं बात करूँ सो जैसे ही वो पोस्ट करते हैं सो उसके कुछ देर बाद ही जो व्यूज़ हैं वो कई हज़ारों में चले जाते हैं। और अगर वीडियोज़ की अगर उनकी बात करें जो लोग आप में से देखते हैं सो आप लोगों को पता होगा कि कितनी सिंपल जो लाइफ है या जो सबसे सिंपल हो सके वो चीज़ें वो फ्रेम के अंदर ला देते हैं या अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। अर्निंग की यदि हम बात करें उनकी तो अच्छी खासी अर्निंग है, लेकिन जो उनका रहन सहन है जो वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि जो मैंने व्लॉगिंग शुरू करी सो उस टाइम मैं सोच रहा था कि फ्रेम में अच्छे से अच्छे सीन आए, लेकिन उसी में अगर मैं कंपैरिजन करूं सौरभ जोशी एंड फैमिली का जो व्लॉग्स आते हैं सो वो एकदम सिंपल लाइफ, किचन की बात करें, रूम्स की बात करें, बेड्स की बात करें, इवन जब वो लंच करते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं सो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर उनकी अर्निंग इतनी ज़्यादा है सो वो
एक डेकोरेटेड प्लेट्स में खाए या नॉर्मल जैसे वो अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, सो सेम वो चीज़ वो हम सबके साथ शेयर कर देते हैं। सो उनसे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ अब कि जितना ज़्यादा सिंपल हो सके जो एक्चुअल में हम लोग लाइफ जीते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सके। हालांकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मॉर्निंग 9:30 में ड्यूटी के लिए चला जाता हूँ, फिर बीच में लंच के लिए आता हूँ और फिर उसके बाद फाइनली 6 बजे में ऑफ़िस से घर आता हूँ, है ना। सो टाइम जो है मेरा मोस्टली वो ऑफ़िस में स्पेंड हो जाता है। उसके बाद अगर हो सके तो हम कभी निकल गए, क्योंकि दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ कि डेली हमें बाहर का भी नहीं खाना चाहिए। सो कई बार स्टार्टिंग में जब मैं व्लॉगिंग बना रहा था सो मेरे आइडियाज़ कुछ ऐसे ही थे कि डेली हम इवनिंग में निकले, कुछ खाए पिए, सो वो चीज़ हम रिकॉर्ड करें। लेकिन अब जो मेरी मेंटलिटी बनी है आफ्टर वॉचिंग द व्लॉग्स ऑफ सौरभ जोशी एंड फैमिली, सो बहुत अच्छा मेरे को लगा कि एकदम सिंपल लाइफ। अब मैंने भी ये चीज़ डिसाइड करी है कि हमारे व्यूअर्स को दिखाने के लिए ही नहीं, बल्कि जो एक्चुअल में चाहे वो हमारे बजट की बात करें या लाइफ स्पेंड करने की बात करें कि किस तरह से हम ये एक सिंपल लाइफ स्पेंड करते हैं, सो वही चीज़ हम अपने व्यूअर्स के सामने रखें। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए या अपने व्यूअर्स को खुश करने के लिए कि आज हम फलानी जगह में हैं, कल दूसरी जगह में हैं, आज ये अच्छी चीज़ खा रहे हैं, कल मतलब एक स्टैंडर्ड दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि सिंपल जो भी हमारा लाइफ स्पेंड हम लोग करते हैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लास्ट एंड फाइनल चीज़, अगर मैं बात करूँ अपने इक्विपमेंट्स की, सो नॉर्मली मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग करता हूँ। ये माइक जो भी आप मेरे पास देख रहे हो बोया का, सो ये फ़िलहाल अभी मैंने मंगवाया था क्योंकि जो मेरा दूसरा चैनल है, कुछ व्यूअर्स जानते हैं, घर की छत पर मुर्गी पालन, सो वो जो हमारा चैनल है उसमें कई बार कंप्लेंट्स आई थी कि सर आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा लो है, सो उसके लिए कुछ ना कुछ आप करिएगा। सो इस करके फिर मैंने सोचा कि जब मैंने दूसरा चैनल स्टार्ट करना ही है सो क्यों ना जो माइक है वो भी ले लिया जाए, क्योंकि व्लॉगिंग में तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इस करके फिर मैंने माइक लिया और अभी जो कल वाला जो हमारा व्लॉग था उसमें आप लोगों ने देखा कि हम लोग मार्केट में गए थे, वहाँ से हम एक जो सेल्फ़ी स्टिक है वो ले करके आए, क्योंकि जो हमारा पिछला सेल्फ़ी स्टिक था उसमें फ़ोन का जो ग्रिप है वो अच्छा नहीं हो रहा था, कई बार फ़ोन गिर जा रहा था, सो इस करके फिर मैं अब नया सेल्फ़ी स्टिक लेकर के आया हूँ। उसके अलावा यदि हम बात करें सो मेरे पास कैनन 600D है, हालांकि उसको अभी तक मैंने व्लॉगिंग के लिए यूज़ नहीं करा, नॉर्मल वो मैं अपनी फ़ोटोग्राफी के लिए यूज़ करता हूँ। और उसके साथ साथ एक ट्राईपॉड है, वो भी मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ क्योंकि जब कैमरे का यूज़ करता हूँ सो उसके साथ ही मैं ट्राईपॉड का यूज़ करता हूँ। और बात करें अगर व्लॉगिंग की सो नॉर्मल मेरा फ़ोन रहता है मेरे साथ, माइक रहता है और जो सेल्फ़ी स्टिक है वो रहता है। सो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि अपने व्यूअर्स के लिए यानी आप सब के लिए कुछ ऐसा कर सके जिससे कि आप लोगों को भी देखने में इंटरेस्ट आए और ऐसे भी ना लगे कि हम उसमें ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे हमारा लाइफस्टाइल जो है वो अलग दिखे और एक्चुअल में हम अलग हैं, क्योंकि रहना हमने इसी लोकेलिटी में है और ऐसा नहीं है कि हमारे जो नेबर्स हैं या जो हमारे आसपास के लोग हैं वो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं है। क्योंकि जब भी हम कोई नया चैनल खोलते हैं फर्स्ट थिंग हर एक न्यू चैनल क्रिएटर के लिए यही रहती है कि जो सब्सक्राइबर है वो कैसे बढ़े या व्यूज़ जो हैं वो कैसे बढ़े। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते हैं अपने वीडियोज़ या अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ शेयर करते हैं। सो एक्चुअल जो हमारा लाइफस्टाइल है वो अच्छी तरीके से जानते हैं, चाहे वो हमारा फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, नेबर्स हो। सो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारी एक्चुअल में लाइफ चल रही है वो चीज़ हम लोग आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सके, ना कि कुछ ऐसा करें जो कि फ्रेम में हम कुछ और दिखे और एक्चुअल में कुछ और दिखे। सो अपनी तरफ से कोशिश यही रहेगी कि जितना ज़्यादा बेस्ट हो सके वो हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। और साथ ही जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आप लोगों से बोला था कि यदि कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो आप लोगों को लगते हैं या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें सॉल्व आउट करने चाहिए, सो वो चीज़ें आप ज़रूर ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो हमारे लिए। क्योंकि यदि कुछ गलतियाँ हमारे से हो रही है सो आप लोगों के व्यूज़ के बाद या आप लोगों के जो कमेंट्स के बाद है वो चीज़ें हम चेंज करने की कोशिश करेंगे या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो उसका हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि तमाम जो हमारे आने वाली आगे वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि चैनल अभी अभी हमने स्टार्ट करा है,
ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। सो आप लोगों के हेल्प की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो व्यूज़ के मामले में हो, सब्सक्रिप्शन के मामले में हो, कमेंट्स हो, लाइक हो। सो हर तरह से हमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। सो आप लोगों से फिर दोबारा से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना सपोर्ट हमारे साथ दिखाइएगा, हमारे चैनल के साथ दिखाइएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। और कोशिश यही रहेगी कि वीडियो अब से मॉर्निंग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि जो हमारा डेली रूटीन है मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक के, वो हम फाइनली रात में वाइंड अप करके उसको प्रॉपर एडिट करके मॉर्निंग में मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और ये चीज़ भी मैंने सौरभ जोशी और उनकी पूरी फैमिली जो है उनसे सीखी है, क्योंकि वो यही करते हैं कि पूरे दिन भर का जो उनका रूटीन है उस चीज़ को वो कैप्चर करते हैं रात में एडिटिंग करके, और मॉर्निंग में हम सबके सामने वो उस चीज़ को शेयर करते हैं। सो मैं अपनी तरफ से भी कोशिश यही करूँगा कि आफ्टर डिनर जब हम पूरा वाइंड अप कर लें, सो उसके बाद हम प्रॉपर जो वीडियो है उसको एडिट कर सके और उसको आप लोगों के साथ शेयर कर सके नेक्स्ट डे। एंड फाइनली वंस अगेन थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग अस विद योर लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।